द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते जारी किए जाने वाले सर्कुलर में खबरदार किया गया है कि ये मखसूस ऐप सार्फिन की मालूमात उनकी मुदाखलत के बगैर ही बैन अल-अक़वामी सर्विसेज पर भेज देती है। इस सर्कुलर को खुफिया करार दिया गया है और इसमें एक मोबाइल सिक्योरिटी कंपनी ऐप अथॉरिटी की रिपोर्ट का हवाला पेश किया गया है। ये बात व्हाट्सएप सार्फिन और ऐसे सरकारी मुलाजमीन के लिए संगीन साबित हो सकती है जो इस मखसूस एप्लीकेशन को अपनी खुफिया राब्ताकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्कुलर में खतरे की दर्जा बंदी करते हुए एंड्रॉइड और एप्पल की 100 एप्लीकेशन की फहरिस्त शामिल की गई है और फहरिस्त में व्हाट्सएप को सर फहरिस्त और अव्वल नंबर पर रखा गया है। सर्कुलर में हिदायत की गई है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन बिलखसूस व्हाट्सएप के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए, अच्छी साख के हामिल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें और जब तक जरिए की तस्दीक ना हो जाए उस वक्त तक अपने ईमेल में शामिल किसी तरह की फाइल डाउनलोड ना करें।